हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गौरवानी व्यूज़ में। मैकबुक प्रो या मैकबुक एयर, अगर आप कुछ ख़रीदने की सोच रहे हैं कुछ आने वाले दिनों में, तो आप प्लीज़ रुक जाइए, क्योंकि एप्पल ने आज अपने प्रोडक्ट्स को कुछ अपडेट किया है, जिनमें ये मैकबुक एयर एंड मैकबुक प्रो भी है। इन्होंने कुछ मॉडल्स को बंद भी किया है, जिसमें 12 इंच जो मैकबुक, जो थिनेस्ट लैपटॉप आता है इसका, एप्पल का, उन्होंने वो डिसकंटिन्यू कर दिया है। एंड जो मैकबुक एयर है उसको, जो इंडिया में 1,14,000 के आसपास इसका एमआरपी था, उसको भी इन्होंने सस्ता कर दिया है। एंड इवन उसमें इन्होंने चेंज किए हैं, ट्रू टोन डिस्प्ले दिया है। तो प्लीज़ वेट कर लीजिए। एंड फाइनली जो मैकबुक प्रो है, 2017 से जो कि अनचेंज था, एंट्री लेवल मैकबुक प्रो, उनको फाइनली इन्होंने चेंज किया है। जो 12 कोर है उसको क्वाड कोर कर दिया गया है, 1.4 GHz पे उसको अप टू 3.9 GHz तक उसका जो स्पीड, उस पर वेरी करेगा। एंड इन्होंने अभी मैकबुक प्रो में जो फंक्शन कीज़ फिज़िकल आती थी, उन्होंने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। अभी चाहे बेस मॉडल है इसका, जो बेस मॉडल आता है इसका एप्पल मैकबुक प्रो का, उसमें अभी टच बार एंड टच आईडी भी इंक्लूड होने वाले हैं। तो बहुत बड़ी न्यूज़ है। अगर आप बाय करना चाहते थे मैकबुक प्रो, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि आपको 12 कोर की जगह क्वाड कोर मिलने वाला है। एंड इवन इसमें टच बार और टच आईडी भी इन्होंने इंक्लूड कर दी है। एंड प्लस ट्रू टोन डिस्प्ले भी इन्होंने इसमें इंक्लूड किया है, जो नया इन्होंने अभी अपडेट दिया है। ये हो चुका है यूएस में, विद इन अ वीक इसके स्टोर में मिलने लग जाएगा। एंड इंडिया में अराउंड अराउंड 2 वीक्स के आसपास में आ जाना चाहिए, यानी कि 25 के आसपास इसका जो है प्रोडक्शन आ जाएगा यहाँ पे। तो तब तक वेट कर लीजिए अगर कर सकते हैं तो काफ़ी। और जो इसके प्राइस रहेंगे वो भी आई थिंक उतने ही रहने वाले हैं जितने अभी रिसेंट प्राइस इसके हैं, तो बेटर रहेगा, बहुत अच्छा है। क्योंकि 2017, अगर मैकबुक प्रो की बात करूँ, तो उन्होंने 2017 में लास्ट उन्होंने अपडेट किया था, उसके बाद उसको अपडेट किया ही नहीं था। अभी 2018 में उन्होंने जो अपडेट किया था, उसके टच बार वाला जो मॉडल, हाईएस्ट मॉडल था इसका, 8/256 GB के साथ जो उसका क्वाड कोर दिया था, वो टच बार वाले में दिया था इन्होंने जो...